हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहा है, तो आज हम एक लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाएंगे। चलिए, झूले बनाने के लिए क्या चाहिए हम बताते हैं आपको। देखिए, झूला बनाने हमने बहुत सिंपल तरीका रखा है झूला बनाने का आपके लिए। इससे मैंने बहुत सिंपल तरीके से ट्राई किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। इस तरह के फ्रिज बॉटल्स आती हैं, ये देखिए फ्रिज बॉटल का हम यूज करेंगे इसे झूले बनाने में। इस तरह की एम्प्टी बॉटल्स, साबुन की या किसी चीज की भी है आपके पास में, किसी भी तरह के प्लास्टिक के एम्प्टी बॉटल्स है वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया है, ये तो कहीं पे भी मिल जाए आपको, वेस्ट लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हम झूले के इसमें यूज करेंगे। वेलवेट का कपड़ा, इस तरह की एक हमने बास्केट ली है, कैसी भी बास्केट चलेगी आपके पास, अगर प्लास्टिक की बास्केट हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स लिए हैं मैंने अलग अलग वैरायटी के, जिस तरह शाइनिंग वाले लिए, ये बूटी ली है मैंने इसमें, इस तरह की शाइनिंग की बूटी ली है। आप अलग अलग तरीके के ले सकते हो जैसे आपके पास में हो। मैंने इस तरह के फ्रिल वाली लेस यूज की है। अब इसमें आप किसी भी तरह की लेस यूज कर सकते हो, कपड़ा यूज कर सकते हो, रिबन यूज कर सकते हो, जो सामान आपके पास में हो यूज कर सकते हो। इस तरह की देखिए मोती की मैंने माला यूज की है इसके अंदर। इस तरह के मैंने इसमें व्हाइट स्टोन यूज किए हुए हैं, स्टोन नहीं कहके, ये मोती है, ये अपने कांच है जिसे कटिंग किए हुए कांच है, एकदम फिनिशिंग वाले कांच। आप रॉ कांच भी यूज कर सकते हैं या आपके पास में जो भी हो डेकोरेशन के लिए। गोल्डन चेन डायमंड की इस तरह की हमने यूज की है, इसकी जगह आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं। और माउंट बोर्ड चाहिए हमें, ये देखिए माउंट बोर्ड पर मैंने ये पीकॉक शेप कटिंग किया हुआ है, दो माउंट बोर्ड को मैंने आपस में चिपकाया हुआ है ताकि मजबूत बने। ये शेप मैंने इस बॉटल के अकॉर्डिंग लिए ताकि जब हम ये लगाएं तो बॉटल हमारी पूरी ढक जाए, ताकि हमारी बॉटल दिखाई ना दे। इस तरह से ये मैंने शेप लिए। आप किसी भी तरह से कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, पीकॉक की बहुत अलग अलग शेप्स बनती है, जैसे आप बॉटल यूज करें वो हिसाब से आप ये शेप बना सकते हैं। इसे हम सबसे पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हम पेपर पे ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद में हम इसे माउंट बोर्ड पे कटिंग कर सकते हैं। और दो माउंट बोर्ड मैंने इसलिए लिए ताकि इसमें अगर हम वर्क करें तो ये वर्क को होल्ड कर ले। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम देखिए, हमें इस तरह से पीकॉक को डेकोरेट करना है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से इसे डेकोरेट करेंगे इस तरह का बनाने के लिए। उसे हम साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम ये माउंट बोर्ड लेंगे, इसमें देखिए दो हमने बनाने पीकॉक, तो आपके डिपेंड करता है कि अगर आप दो इस तरह से आगे खड़े करना चाहते हैं या दो इस तरीके से खड़े करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसी तरीके से आप इसे बनाएंगे। इस पर हम सबसे पहले वेलवेट का कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये शेप है हमारी, बहुत सिंपल तरीका है वेलवेट का कपड़ा लगाने का। इस पर इस तरीके से हम कपड़ा बिछाएंगे सबसे पहले और इसे इस तरीके से इसे चिपका देंगे और इतने बड़ा हम कटिंग कर लेंगे। चिपकाने के बाद में हम तकरीबन आधी इंची के जितना पोर्शन बड़ा रख के पूरा पिकॉक के चारों तरफ से इसे कटिंग कर लेंगे। चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फेविकोल का इस्तेमाल, जो भी सामान आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल करके इसे इस तरह से चिपकाकर और कटिंग करके रेडी रखना है हमें। देखिए, हमारा कपड़ा लग के रेडी हो गया है इस तरीके से। अब हम पीछे फिनिशिंग के लिए इस पर इस तरह का पेपर कटिंग कर पूरे पर हम चिपका देंगे ताकि हमारा पीछे का जितना भी वर्क है जो गंदा लग रहा है वो सब छुप जाए हमारी फोल्डिंग्स। अब हम इस पर सबसे पहले बॉर्डरिंग देंगे। डायमंड की चेन है ये लेंगे हम और इससे हम पूरे कॉर्नर पे बॉर्डर बना देंगे इस तरीके से, फेविकोल लगा के चेन लगाने।
देखिए इस तरीके से हम पूरे में बॉर्डरिंग कर लेंगे फेविकोल लगा लगा के। सिंगल करने के बाद में हम सेम इसी तरह से पूरा डबल बॉर्डरिंग करेंगे। इस तरह हम चारों तरफ से पिकॉक को हमें बॉर्डर करके कवर करना है। देखिए डायमंड लग के रेडी हो गया है हमारा। अब इस पर हम देखिए इस तरह की बूटी है ये अरेंज करेंगे। पहले सब अरेंज करके देख लेंगे फिर हम उसे चिपकाएंगे। आप छोटी बड़ी बूटी हो तो आप देखिए इसमें मैंने 9 बूटियां लगाई हैं। आप जिस तरह की लगाना चाहते हो इस तरह से मैं इस पर सेंटर पर ये पूरी ये बूटी की लाइन लगाएंगे। ये डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं। कुछ और आपको लगता है लगा सकते हैं तो वो लगा सकते हैं, स्टोन्स लगा सकते हैं। डायमंड की अगर आपको चेन ना मिले तो आप इस पर स्टोन्स लगा के भी कर सकते हैं। इस तरह का देखिए एक लंबा मैंने लिया हुआ है, इसे हम आँख के तरीके से लगा देंगे, पिकॉक की हमारी आँख बन जाएगी। अभी हमारा सारा सेट हो गया, इसे अब हम चिपका देंगे। ये सब चिपकने के बाद में हम देखिए इस तरह के मैंने इसमें मिरर लिए हैं। ये फिनिशिंग कट के हैं, आप रॉ फिनिशिंग के भी ले सकते हो। देखिए इस तरह के मिरर है, इसे हम रैंडमली यहाँ लगाएंगे। फेविकॉल की हेल्प से हम इस तरीके से पूरे पीकॉक में फिल कर देंगे। इस तरीके से पूरे पिकअप को हम पास पास में हमें कांच लगा देंगे। आपके पास कांच ना हो तो आप स्टोन लगा सकते हैं, डायमंड लगा सकते हैं, जो आपके पास में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे दोनों पिकअप बन के रेडी हो गए हैं। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और सबसे पहले अब हम झूले का बेस तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये बॉटल लेंगे, इसमें मैंने इस तरह के मार्बल भरे हैं। आप किसी भी तरह के पत्थर डाल दीजिए ताकि इसमें वेट हो जाए। वेट इसलिए करना है ताकि इनके ऊपर जब हम झूला लगाएं तो उसका वेट ये सहन कर लेवे। तो इस तरह से हम ये इसमें पत्थर डाल के दोनों को वजनी कर लेंगे। अब हमने जो ये बॉटल ली है ये बॉटल हम इस पर इस तरीके से फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बॉटल हो गई फिट। इस पर इस तरह से दोनों बॉटल्स को हम लगा लेंगे। अगर ये आपसे नहीं फिक्स होए तो यहाँ पर आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फेविकोल से चिपका सकते हो, जैसे भी। इस तरह से लगने के बाद में अब हम सबसे पहले इस पर ये देखिए इस तरह की मैंने फ्रिल वाली लेस यूज की है। अब आप इसमें पेपर लगा सकते हो, कपड़ा यूज कर सकते हो, जो आपके पास में चीजें अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप पेंट भी कर सकते हो। इसे इस तरह से चारों तरफ हमें ग्लू गन की हेल्प लेके हम या फेविकोल की हेल्प लेके हम इस तरह से पूरा चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे। इसे हम पूरी बॉटल ऊपर तक कवर कर देंगे। आपको इस बॉटल को खोलना रहेगा बाद में, तो यहां तक हम लास्ट में लगाएंगे, उसके बाद में हम ऊपर की बॉटल पर लगाएंगे ताकि जब इसे अलग करना हो तो ये अलग हो जाए आपस में, चिपके नहीं। देखिए लेस लग के हमारी बॉटल्स रेडी हो गई है, ये पिलर बन गए हमारे झूले के। अब हमें इस पर ये लकड़ी लगानी है, इस तरह से हम इसे असेंबल करेंगे बाद में। अब इस लकड़ी को भी हम इसी तरह से लेस से पूरा रैप कर लेते हैं। ग्लू गन की हेल्प लेके हम पूरी लकड़ी को भी हम इसी तरह से लपेट देंगे जैसे कि हमने इसे बनाया है। देखिए हमारी स्टिक रेडी हो गई है।
इसे रेडी होने के बाद में अब हम बास्केट को तैयार करेंगे। बास्केट को तैयार करने के लिए देखिए हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है। बास्केट से बड़े साइज का हम कटिंग कर लेंगे इसे, इस तरह से हम इसे उल्टा बिछाकर पूरा ग्लू गन की हेल्प से पूरे बास्केट को हम इस तरीके से कवर कर देंगे। ग्लू गन की, फेविकोल की, जो जिससे आप चिपका सकते हैं उससे हेल्प लेकर आप इस तरह पूरी बास्केट को कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में एक और कटिंग करेंगे हम इसकी कपड़े लेकर वेलवेट का, और उस कटिंग को हम अंदर लगा देंगे, राउंड स्क्वायर जैसे भी कटिंग आप करना चाहें, ताकि हमारे ये सारे जो खुले हुए हैं एजेस इसके सारे ढक जाएं और फिनिशिंग आ जाए। देखिए हमारी टोकरी तैयार हो गई है, अभी हम डेकोरेशन करेंगे। अभी इसको करने के लिए सबसे पहले मैं चारों कॉर्नर्स पे धागे लेके छोड़ दे रही हूँ, ताकि बाद में ये हैंडल लगाने के हमारे काम है। मैंने इस तरह का देखिए सैटिन रिबन लिया है, आप कोई भी मजबूत धागा या कुछ भी ले सकते हैं जो अपना टूटे नहीं यहाँ से। मैंने इस तरीके से इसे सुई में लिया है, और ये बेंत की टोकरी है, ये कॉर्नर पर से आसानी से इसमें से आर पार हो जाती है देखिए, और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में थोड़ा लंबा हम इस तरह से लेंगे धागा और छोड़ देंगे, बस इसमें पिरो के हमें छोड़ देना है। इसे हम चारों तरफ कर लेंगे। इतना करने के बाद में हम ये मोती की लड़ लेंगे। इस लड़ को हम एकदम रैंडमली छोटी बड़ी इस तरीके से तोड़ेंगे नहीं, ये देखिए इस तरह से हम ग्लू गन की हेल्प लेकर चारों तरफ हम टोकरी के लगा देंगे। पूरा टोकरी को इस तरह की लड़ से सजा देंगे, छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी, ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं है, गिनती से नहीं है, अंदाजे से हम लेकर पूरा चिटका देंगे इसे। देखिए हमारी ये ट्रे डेकोरेट हो गई है, हमने बहुत सिंपल तरीका रखा है इसे डेकोरेट करने का। आइए अब हम असेंबलिंग काम स्टार्ट करेंगे, हम पूरी तरह से झूले को तैयार करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पीकॉक बनाया है उसे चिपकाएंगे। अब ये पीकॉक को हम डायरेक्ट ग्लू गन से या फेविकॉल से नहीं चिपकाएंगे, उसके लिए हमने वे वेलक्रो की पट्टी रखी है, देखिए ये वेलक्रो पट्टी से हम चिपकाएंगे, ताकि जब हमारा इस्तेमाल में आ जाइए तो बाद में हम उतार के इसे रख सकें अगले डेकोरेशन में भी, ताकि हमारी ये पीकॉक काम आ सके। इसके लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि आप डायरेक्ट ना चिटका कर वेलक्रो से चिटका दें। ये देखिए इस तरह से आप ले लें, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं रखना है, कारण कि हमारा झूला भी आएगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस पे हम रखेंगे। एक तरह से हम देखें एक ही अंदाजा आपको लेना होगा कि कितना दूरी पे है। देखिए सबसे पहले आप अंदाजा ले लेंगे तकरीबन दूरी का, थोड़ा और दूर कर सकते हैं हम। ये जो स्टिक बीच की बनाई है वो हम सेंटर तक, दोनों बॉटल के सेंटर पर रखेंगे। ये आ गया सेंटर हमारा, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों इस तरह से ये रखेंगे। इसके लिए हम वेलक्रो पट्टी का यूज करेंगे। वेलक्रो पट्टी का साइज जो हम लेंगे वो ये बॉटल के हिसाब से लेंगे। तो इसमें मैंने जो वेलक्रो पट्टी का जो ये कड़क वाला पोर्शन जो होता है वो इस पर चिपकाया है, इस तरीके से चिपकाएंगे, और एक नहीं हम दो चिपकाएंगे ताकि हमारा मजबूती से ये चिपक जाए। हम इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से ये बॉटल के कॉर्नर पे, सेंटर पे आएगा हम ऑलमोस्ट, तो बॉटल के सेंटर पे हम इस तरह से ग्लू गन से चिपका देंगे, और ये पीकॉक के हमारा कॉर्नर पे आएगा, कारण हमें पीकॉक इस साइड नहीं लेके जाना, थोड़ा बाहर साइड ही रखना है, तो हम इसे पीकॉक के कॉर्नर पे लगाएंगे। देखिए हमारा वेलक्रो लग के रेडी हो गया है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, इस तरह से देखिए वेलक्रो से निकाल भी सकते हैं और इसे टाइट करके हमने अरेंज भी कर दिया। इसी तरह हमने बॉटल के ऊपर भी वेलक्रो लगा दिया है, और हमने ये स्टिक पे भी लगा दिया है। ये हम पूरा फोल्डिंग बना रहे हैं ताकि खुल के रखने में इजी रहे और आप बार बार यूज कर सके इसको। इस तरीके से डिस्टेंस आप ले लेंगे, एक डिस्टेंस लेने के बाद में
इसे यहाँ चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, इस पर चिपकाने से पहले हमने जो फ्लावर्स लिए हैं ये हम इसी स्टिक पर लगा देंगे, ग्लूगन की हेल्प से हम कॉर्नर पे ये लगा देंगे फ्लावर्स, ताकि हमारा ऊपर का पूरा फिनिशिंग आए फ्लावर्स के साथ में, और जब निकाले, जब हमारी पूरी स्टिक इसी तरह से निकल के हम इसे रख सकें। देखिए फ्लावर्स लगने के बाद में इसे हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए कितना वजन में डाल रही हूँ, ये एकदम मजबूत मजबूत हो गई है। हाँ, आप ये ध्यान रखें, आप जो बॉटल यूज करेंगे नीचे उसमें वजन अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारा ये बॉटल खिसके नहीं, झूला अगर हिला रहे हैं हम तो हमारी बॉटल खिसके नहीं आवा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मोती की दो लड़ लेनी है हमें, इसे हम डबल कर लेंगे। इसे डबल करने के बाद में मैंने आपको याद है ये धागा छुड़वाया था, यहां से हम इस टोकरी की हाइट ले लेंगे। आपको जितनी ऊंची करनी है ये बास्केट, उस हिसाब से आप इसे इस धागे में बांध देंगे। जैसे इतनी भी ऊंची रखेंगे हम, नीचे से चार चार मोती हम छोड़ देंगे, और फिर ये इसमें चारों तरफ से हम इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। ये आप धागा देख रहे हैं, ये धागे में हम, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम लेंगे और कस के गांठ लगा देंगे, तो ये हमारा जो हमारी टोकरी हैंग हो जाएगी, चारों तरफ से हम लगा देंगे इस पर। देखिए हमारे लड्डू गोपाल का झूला रेडी हो गया है, ये मैंने इसका हैंडल भी लगा दिया, यहाँ पे लटका भी दिया है इसे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बताया है, आपको सिखाया है, बिल्कुल घरेलू सामान यूज करके बताया, आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं मिलेगा और नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसे आपको सिखाया है। इस बार जन्माष्टमी पे आप भी अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह सजाइए अपने हाथों से झूला बना के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ इसी तरह का इनोवेटिव तरीके से झूला बनाएंगे, अपने हाथों से सुंदर तरीके से सजाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।